गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर ज्योतिरंजन इज गोइंग टू आर गो टू अंडरस्टैंड सम ऑफ आवर न्यू टॉपिक्स जस्ट एज कलर्ड पार्ट्स। सो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन किए थे, प्रीवियस क्लास में हम गेस एंड चेक वाला डिस्कशन किए थे। इसमें बहुत सारे बच्चों को आंसर करके भेजे हैं, बहुत खुश लगा, मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है। लेकिन इसमें कुछ कुछ बच्चे क्या किए थे ना, नंबर बी का ड्राइंग कंप्लीट करना भूल गए थे, जो कि ड्राइंग पहले कंप्लीट करना है बाद में फ्रैक्शन लिखना है। सो नंबर वन पे जो है उसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/8, नंबर टू पे 1/6, नंबर थ्री पे 2/9 एंड नंबर फोर पे 4/15। एंड नंबर बी में क्या हुआ था, नंबर बी में हुआ था 1/16। सो नाउ हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे कलर्ड पार्ट्स वाला। कलर्ड पार्ट्स में क्या है ना, इसमें हम देखेंगे पहले चारों सर्कल है और हर एक सर्कल के नीचे कुछ लिखने के लिए दिया गया है और हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला सर्कल है जो फर्स्ट सर्कल है, उसमें उसको दो हिस्से में बांटा गया, एक है ब्लू कलर एक है रेड कलर। सो क्या लिखना है, दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स वन पार्ट इज कलर्ड ब्लू। सिमिलरली नंबर टू, द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। सो क्या लिखेंगे नीचे, हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट्स टू पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। चारों में से दोनों में क्या क्या है, ब्लू कलर दिया गया है। वैसे नंबर थ्री और नंबर फोर बहुत आसान है तुम्हारे लिए। नंबर थ्री में है, हियर इज द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सिक्स इक्वल पार्ट्स, आउट ऑफ सिक्स इक्वल पार्ट्स थ्री पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। सिमिलरली नंबर फोर, हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू एट इक्वल पार्ट्स, आउट ऑफ एट इक्वल पार्ट्स फोर पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। सो ये तुम लोगों को पहले लिखना है और कंप्लीट करना है। मैं तुमको याद दिला देता हूँ कि ये जो काम है ये तुमको कॉपी में करना है। कहाँ पर करना है, कॉपी में करना है। सो लेकिन इसमें हम एक चीज़ नोटिस करना भूल गए, क्या है, जैसे कि पहले जो था हमारे पास जो है सर्कल, वो सर्कल में देखेंगे, सर्कल में ब्लू कलर जितना हिस्सा है नंबर टू में भी उतना है, नंबर थ्री में भी उतना है, नंबर फोर में भी उतना है। यानी पिक्चर नंबर वन में ब्लू कलर का फ्रैक्शन होगा 1/2, पिक्चर टू में होना चाहिए 1/2, पिक्चर थ्री में भी होना चाहिए 1/2 और पिक्चर फोर में भी होना चाहिए 1/2। लेकिन इसमें क्या क्या गया है, सब फ्रैक्शन अलग अलग लिखा गया है। जैसे कि पहले के लिए क्या लिखा गया, पहले के लिए लिखा गया है 1/2, दूसरे के लिए 2/4, तीसरे के लिए 4/8 और चौथे के लिए तीसरे के लिए 3/6 और चौथे के लिए 4/8। सो ये सब फ्रैक्शन हम लोग लिखे हैं तो ये भी करेक्ट है। तो पेज नंबर 62 में जो चारों सर्कल दिए हैं, चारों सर्कल में ब्लू कलर का एरिया जो है वो सेम है। पहले में 1/2, दूसरे में 2/4, तीसरे में 3/6 और फोर्थ में 4/8। तो इसमें जो नीचे लिखा है, सो वी कैन से दैट 1/2 = 2/4, यस 1/2 = 2/4 = 3/6 = 4/8। ये तुम लोगों के लिए काम है और इसको कहाँ पर करना है, कॉपी में करना है। वैसे ही आज दूसरा पार्ट जो है वो है कटिंग द हलवा। हलवा को आज कटिंग करेंगे मिलके सब और मिल बैठ के खाएं। सो रमेश बॉट ए पीस ऑफ हलवा फॉर हिज चिल्ड्रन अम्मू एंड अनु। अम्मू और अनु के लिए रमेश ने क्या किया, हलवा खरीद के लाया है। ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर देम, वो इसको क्या किया, दो हिस्सों में इक्वली बांट दिया दोनों के बीच में, अम्मू और अनु के बीच में। जैसे कि हमारे घर में कोई भी बर्थडे केक आता है या फिर चॉकलेट आता है, कि हम अगर हम दो भाई बहन हैं तो हमारे बीच में वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि नहीं होता है, यस होता है। तो अगर हम दो भाई बहन हैं तो हर चीज़ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वैसे ही रमेश जो हलवा लाया था उसमें दोनों हिस्सेदार थे, एक है अम्मू एक है अनु, तो दोनों के बीच हलवा को बटा कर ऐसे देखते पिक्चर के साथ ही डिवाइडेड इट इक्वल। ऐसे पहले एक बड़ा सा पिक्चर है हलवा का दिख रहा है, हाँ, तो वो दूसरे पिक्चर में क्या किया, उसको दो हिस्सों में बांट दिया, कट कर दिया। ईच विल गेट डैश पार्ट ऑफ हलवा, ही डिवाइडेड इक्वली फॉर देम, ईच ऑफ देम विल गेट 1/2 पार्ट ऑफ द हलवा।
अब इसको कितना पार्ट मिलेगा, हाफ पार्ट मिलेगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स क्या लिखेंगे, 1/2। द पीसेस इज टू लॉन्ग, वी कैंट ईट, दे सेड। अच्छा, दो हिस्से में बांटने के बाद भी वो अम्मू और अनु क्या बोले, द पीसेस इज, द पीस इज टू बिग, वी कैंट ईट इट, ये बहुत बड़ा है, हम इसको नहीं खा सकते हैं। सो ही डिवाइडेड द पीसेस इन टू हाफ अगेन, नाउ हाउ मेनी पीसेस विल अमू गेट। अच्छा देखो, तीसरे पिक्चर में वो इसको और एक दो बार डिवाइड कर दिया, तो कितने पीसेस हो गए, टोटल हो गए 4 पीसेस, और अमू को कितना पीसेस मिलेगा, 2 पीसेस। सो सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, 2। अच्छा, व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज इट, अच्छा एक को कितना पार्ट के होगा, तो देखो थर्ड पिक्चर 4 हिस्सों में बांटा गया है अभी तक, और एक पार्ट कितना होगा, 1/4। सो थर्ड ब्लैंक स्पेस में लिखेंगे 1/4। मेक इट इवन स्मॉलर डैड, दे आस्ट, सो ही अगेन कट द हलवा इन टू स्मॉलर पीसेस। अच्छा, मेक इट इवन स्मॉलर डैड, दे सेड, दे सेड डैड मेक इट इवन स्मॉलर, और भी छोटा कर दो। सो ही अगेन कट हलवा इन टू स्मॉलर पीसेस, अच्छा वो और बार और एक बार फिर से हलवा को कट करके छोटा छोटा कर दिया। ओके थैंक यू डैड। अब देखते हैं लास्ट पिक्चर में जो है उसमें हलवा कितना पीसेस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो एक हिस्से का कितना होगा, 1/8। सो हाउ मेनी पीसेस विल ईच गेट, अच्छा हर एक को कितना मिलेगा, 4, दोनों हैं तो 8 पीसेस भी से, इसको 4 मिलेंगे, उसको भी 4। व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज ईच पीस नाउ, अच्छा एक पीस का पार्ट कितना होगा, 8 इक्वल हिस्सों में है तो एक पीस का फ्रैक्शन होगा 1/8। सो इफ रमेश हैड कट द हलवा इन टू 6 इक्वल पार्ट्स, हाउ मेनी पीसेस वुड ईच हैव गॉट, लुक एट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चंस 1 to 4 एंड राइट। अच्छा, अगर उसको 6 पार्ट में बांट दिया होता तो कितने पार्ट हर एक हिस्से में आते हैं, हर एक हिस्से में 3-3 पार्ट आते हैं। सो इसमें भी वही वाला बात जो हम पहले क्वेश्चन में कहे थे, किए थे, 1/2 = 2/4 = 3/6 = 4/8 = 5/8 = 5/10 = 6/12। ओके, ये वाला है। तो आज के लिए तुम लोगों के लिए इतना ही काम करना है, याद रखना है जो दूसरा है, दूसरा कटिंग द हलवा, इसको बुक में करना है, और कलर्ड पार्ट्स जो है इसको कॉपी में करना है। थैंक यू।